वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज हम ONGC लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ONGC स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि 140 पे ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक। 139 और 90 पे रिसेंटली देखा जाए तो देख सकते कि स्टॉक में 65 पैसे की गिरावट देखने को मिले। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ के ऊपर नज़र डालेंगे कि कोई खास न्यूज़ है क्या। न्यूज़ की बात की जाए तो देख सकते रिसेंटली स्टॉक्स इन न्यूज़ हफ्ते के दिन ONGC ने कैन फाइनेंस शेयर जैसे शेयर पर रखे नज़र। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई खास न्यूज़ तो सामने नहीं आ रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ONGC स्टॉक के लिए, तो ONGC के बाकी के जो डिटेल है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखोगे जैसे कि ONGC की जो यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग थी 140 थी, आज ओपन हुआ था स्टॉक गैप डाउन से। ओपन होने के बाद प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर काफ़ी समय था पर सेटल नहीं हो पाया तो फिर से गिरावट देखने को मिले। मार्केट कैप 1.76 लाख करोड़ की है। PV रेशियो है 3.42 और डिविडेंड यील्ड है 8.39 का। लास्ट फ्राइडेज की भी बात की जाए स्टॉक के अंदर तो देख सकते 4.87% ऑफ स्टॉक यहाँ पे देखा जाए तो। बाकी के जो डिटेल है जैसे कि वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन का ट्रेडेड वॉल्यूम 42.8 लाख का है। टोटल यहाँ पे ट्रेडेड वैल्यू जो है 6,700 लाख की ट्रेडेड वैल्यू है। बाइंग के लिए देख सकते कि 11,28,000 क्वान्टिटी पेंडिंग है। तो सेलिंग के लिए जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20,59,000 क्वांटिटी पेंडिंग है। तो सिक्योरिटी वाइज जो डिलीवरी पोजीशन है उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे, जैसे कि क्वांटिटी जो ट्रेडेड है 41 लाख, उसमें से 20 लाख जो है डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो 48% चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे तो चार्ट के ऊपर नज़र डाली जाए तो देख सकते कि स्टॉक के अंदर यहाँ पे जो ब्लू कलर का लाइन है 200 मूविंग एवरेज, उसी को यहाँ पे रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था 2-3 दिन पहले, फिर उसका सपोर्ट लेके बाउंस 140 के ऊपर सेटल होता है स्टॉक तो फिर ऊपर जाने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तकरीबन यहाँ पे 150 तक भी जा सकता है स्टॉक। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ONGC के लिए।